अच्छा डॉली, चलता हूँ मैं ऑफिस। राजीव ऑफिस तो चले जाना, घर में ना सारा राशन खत्म हो गया। आप मुझे राशन के पैसे दे जाओ। अच्छा, घर का राशन खत्म हो गया है। ऐसा करो, आप ये 3,000 रुपये मेरे पास, आप 3,000 रुपये रख लो और घर का राशन ले आना। क्या राजीव, घर के राशन के लिए आप मुझे 3,000 रुपये दे रहे हो? कौन से जमाने में जी रहे हो? आपको पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है? तेल के रेट बढ़ गए हैं, चीनी के रेट बढ़ गए हैं। आप मुझे 10,000 रुपये दे दो, 10,000 रुपये में सामान आएगा घर का। क्या 10,000 रुपये में सामान आएगा? तुम्हारा दिमाग तो सही है। महंगाई क्या एक ही महीने में बढ़ गई क्या? पिछले महीने तुम मेरे ख्याल से 6,000 या 7,000 रुपये का राशन लाई थी और अब तुम 10,000 रुपये मांग रही हो। मांग नहीं रही हूँ आपसे, 10,000 रुपये का घर का राशन आएगा ही आएगा। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है ना, तो खुद जाकर लेके आ जाओ घर का राशन, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा आपको। ठीक है ठीक है, अब मेरे पास फालतू टाइम नहीं है कि मैं जाके राशन लेके आऊँ। मुझे अपनी नौकरी करने दो। 3,000 दे दिए है ना, 7,000 रुपये गूगल पे कर दूंगा। जा रहा हूँ मैं। ठीक है, बिल्कुल अभी कर देना मुझे गूगल पे। लगता है चले गए। ये हुई ना बात, अगर इनसे सीधे सीधे मांगती ना तो बिल्कुल भी नहीं देते मुझे। घर के राशन के बहाने से मैंने आज पूरे 4,000 रुपये का टाका मार लिया है। चलो जल्दी से कपड़े धो देती हूँ राजीव के, शाम तक सूख भी जाएंगे। ये राजीव की जेब में मोटा मोटा क्या लग रहा है? ये लो, जनाब ने एटीएम अपनी जेब में ही छोड़ दिया है। और भी कुछ है इसके अंदर? ये क्या पैसे? आज तो मेरी बल्ले बल्ले हो गई है। सुबह 4,000 रुपये का टाका मारा था राशन में से पैसे बचाकर, और अभी इतने सारे पैसे। ऐसा करती हूँ, सारे पैसे नहीं रखती हूँ, 500 रुपये रख लेती हूँ और 20 रुपये इसी के अंदर धो देती हूँ। राजीव को लगेगा सारे पैसे मैंने उनके कपड़ों में ही धो दिए। अरे राजीव भाई, मेरी वाइफ तो बहुत खर्चीली है। मेरी आधे से ज़्यादा सैलरी ना वो अपने फिजूल खर्ची में उड़ा देती है। अरे विक्रम भाई, आप अपनी बात कर रहे हो, ये सारी औरतें ना एक जैसी होती हैं। मेरी वाइफ भी कुछ कम नहीं है। अभी भी सुबह निकलने लगा तो जी 10,000 रुपये दे दो, राशन आएगा। पता नहीं ऐसे कौन से राशन आने लग गया जो 10,000 के आते हैं यार। मुझे तो ऐसा लगता है मेरी वाइफ ना टाके मारती है। हाँ राजीव भाई, आपने ना ये बात सही पकड़ी, ये औरतें हैं ना बहुत टाका मारती हैं। अरे हाँ विक्रम भाई, ये औरतें ना हमें पागल समझती हैं। लो खाओ ना यार। चलो यार एक बात बताओ, पिछली बार तुम गोवा गए थे, इस बार कहाँ जाने का प्लान है? मेरे हिसाब से इस बार चलते हैं कहीं दूर यार, मजा आ जाएगा। थाईलैंड का ट्रिप बना लेते हैं इस बार। हाँ राजीव भाई, ये सही रहेगा, हमारा इंटरनेशनल ट्रिप भी हो जाएगा। विक्रम भाई, थाईलैंड का ट्रिप फाइनल करते हैं। ऐसा करते हैं, 2-4 दोस्तों को और इकट्ठा कर लेते हैं, फिर सारे भाई मिलकर थाईलैंड जाएंगे। क्या निशा, अमेज़न पे 80% सेल चल रही है? अरे नहीं नहीं, मैं ज़्यादा कपड़े नहीं लेना चाहती हूँ, मेरी अलमारी फुल हो रखी है। ऐसा कर, तू मंगवा के देख, अगर अच्छे लगेंगे ना तो मैं भी मंगवा लूँगी। तू ऐसा करियो, लिंक शेयर कर दियो। डॉली चल निशा, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। राजीव आ गए हैं। राजीव आ गए आप? हाँ डॉली, आज रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला इसलिए थोड़ा लेट हो गया हूँ। ये तो है राजीव, ट्रैफिक का दिन पर दिन हाल बुरा होता जा रहा है। राजीव आपसे ना एक बात करनी थी। अभी ना मैं अपनी फ्रेंड से ना बात कर रही थी, उसने ना मुझे बताया अमेज़न पे ना 80% सेल चल रही है। ये देखो कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ 80% सेल। आप ऐसा करो, मुझे 2,000 रुपये दे दो, मैं ना कुर्तियाँ मंगवा लूँगी अपने लिए। क्या कह रही हो, आपको 2,000 रुपये चाहिए अमेज़न से कुर्ती मंगवाने के लिए? मैंने कोई पैसों का पेड़ नहीं उगा रखा है। आपके ना खर्चे आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक बात बताओ, अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको 3,000 रुपये दिए थे सूट के लिए, वो सूट कहाँ गया? वो तो मुझे आज तक दिखाई नहीं। वो सूट आपको इसलिए नहीं दिखा क्योंकि वो सूट ना मैंने अपनी किटी पार्टी के लिए लिया था। अब किटी पार्टी में भी आपको लेके जाऊंगी अपने साथ। राजीव मैं कोई फालतू खर्चे नहीं करती हूँ, यही उम्र है मेरी शौक मौज पूरे करने की। तो अभी नहीं करूंगी तो क्या बुढ़ापे में करूंगी? अरे डॉली, बुढ़ापा किसने देखा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यही उम्र है आपकी सेविंग करने की। सेविंग करना सीख लो थोड़ी। अच्छा जी, मुझे आप सेविंग का पार्ट पढ़ा रहे हो? आपको सेविंग का मतलब भी पता है? आए दिन अपने दोस्तों के साथ कभी यहाँ जा रहे हो कभी वहाँ जा रहे हो। पिछले ही महीने अपने दोस्तों के साथ गोवा होके आए हो, वहाँ पैसा तो नहीं खर्च हुआ होगा? फालतू में गए अय्याशियाँ करने वहाँ पर। आपका बैंक बैलेंस चेक कर लो ना, 0 बैंक बैलेंस है आपका। अरे बैंक बैलेंस तो मेरा 0 हो गई ना, तुम जैसी खर्चेलू बीवी जो है मेरी, कभी 2,000 रुपये दे दो, कभी 4,000 रुपये दे दो, कभी 5,000 रुपये दे दो, पता नहीं इतने पैसों का करती क्या हो तुम। एक बात बताऊं तुम्हें डॉली, तुम ना मेरे दोस्तों के बारे में बिल्कुल मत बोला करो। मुझे एक ही जिंदगी मिली है और कमाता हूं तो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती तो करूंगा ही ना। ये क्या, पापा का फोन? हाँ जी पापा। हाँ जी बेटा, तेरी मम्मी की आंखों के ऑपरेशन के लिए 1,00,000 रुपये चाहिए।
क्या पापा, मम्मी की आंखों के ऑपरेशन के लिए 1,00,000 रुपए चाहिए? हाँ बेटा। चलो ठीक है पापा, मैं कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करता हूँ। जल्दी करियो बेटा। ठीक है। क्या हुआ राजीव? डॉली होना क्या है, पापा का फोन था, पापा कह रहे मम्मी की आंखों का ऑपरेशन करवाना है तो उसके लिए 1,00,000 रुपए चाहिए, लेकिन मेरे पास 1,00,000 रुपए कहाँ है, मुश्किल से ले देके मेरे पास 40-50,000 रुपए होंगे, अब समझ नहीं आता 1,00,000 रुपए का अरेंजमेंट कैसे करूँ। राजीव मैं तभी आपको कहती थी थोड़ी सेविंग कर लिया करो, ये यार दोस्तों के साथ घूमने पे ना पैसा वेस्ट ही होता है, अब देख लो बैठे बिठाए मुसीबत आ गई, अब कहाँ से इतने सारे पैसों का अरेंजमेंट करेंगे हम लोग। डॉली एक तो मैं वैसे इतना परेशान हूँ, ऊपर से तुम अपना ज्ञान दे जा रही हो मुझे, डॉली मुझे अपना ज्ञान मत दो यार, अगर तुम कुछ नहीं कर सकती हो तो। राजीव आप ऐसे मत बोलो कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, अगर आप मुझे कहोगे ना तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। डॉली एक बात बताऊँ, मैं कमा कर भी इसमें कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो आप मेरी क्या हेल्प करोगी? राजीव आप पापा जी को फोन करके बोल दो कि पैसों का अरेंजमेंट हो गया है, आपके पास 40-50,000 रुपए तक तो है ना, बाकी पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगी। क्या कह रही हो डॉली, बाकी पैसों का इंतजाम आप कर दोगी? डॉली आप एक हाउसवाइफ हो, इतने पैसे हैं आपके पास? हाँ राजीव इतने पैसे हैं मेरे पास, तभी मैं आपको कह रही हूँ, आप जो मेरे को पैसे देते थे ना घर के खर्चों में, मैं उसी में से पैसे बचा बचा कर सेविंग करती थी, और जो मैं आपसे सूट के बहाने से पैसे मांगती थी ना, मैं कभी भी सूट लेती नहीं थी, उन पैसों को भी मैं सेव कर लेती थी। राजीव आप तो अपनी सैलरी अपने यार दोस्तों के साथ घूमने में उड़ा देते थे, पर मैं तो इतना जानती हूँ हस्बैंड वाइफ में से एक को समझदार बनना ही पड़ता है, तभी पूरी गृहस्थी बहुत अच्छे से चलती है। सेविंग करनी हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में बुरा वक्त कभी भी बता के नहीं आता, तभी आज मैंने राजीव 50-60,000 रुपये जोड़ लिया है। डॉली लगता है मैंने आपको समझने में गलती कर दी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, हस्बैंड वाइफ में से एक को समझदार होना बहुत ज़रूरी है, और ज़िंदगी में सेविंग भी बहुत ज़रूरी होती है। डॉली मैं अपने दोस्तों को हमेशा एक ही बात कहा करता था कि मेरी बीवी बिल्कुल भी समझदार नहीं है, बहुत खर्चेलू है, लेकिन डॉली आप इतनी समझदार हो मुझे आज पता चला, थैंक यू डॉली।